Hello everyone, this is Saloni and I'm Shweta and we are from Sacred English Academy. जैसे कि आप सब जानते हैं कि COVID-19 डिजीज पूरे वर्ल्ड पे अटैक कर रही है. काफ़ी सारे लोग जो हैं वो COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और इस टाइम पे जो सारे डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं हमारे कंप्लीट वर्ल्ड को सेव करने के लिए, मैं उन सबका थैंक्स करना चाहती हूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें से मैं थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट्स को, बिकॉज जो मेडिकल डिपार्टमेंट में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सेज हैं और जितने भी बाकी मेडिकल डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, दे आर वर्किंग फॉर द 24 आवर्स जस्ट टू सेव द लाइफ्स ऑफ द मासेस. एंड इवन आई हैव सीन देयर आर सम डॉक्टर्स जिन्होंने, आई थिंक इट्स बीन लॉन्ग टाइम, दे हैवंट सीन देयर फैमिली मेम्बर्स क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पे प्रॉपर हैं. दे आर सेविंग लाइक देयर कंट्री बाई बींग ऑन द ड्यूटी फॉर द लॉन्ग टाइम ताकि वो हम लोगों को सेव कर सके. और मैं उन सबका दिल से फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट थैंक्स करना चाहती हूँ. In fact, not only the doctors, I would like to hear thanks the policemen. मैं उन policemen का thanks करना चाहती हूँ जो कि long hours के लिए roads के ऊपर रह रहे हैं, irrespective of the weather condition. चाहे वो बारिश है, चाहे वो तेज धूप है, वो अपनी duty बिल्कुल सही तरीके से दे रहे हैं and they are really doing a great hard work for maintaining the social distance among the people. और कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लग रही है कि सोशल डिस्टेंस क्यों मेंटेन किया जा रहा है, बट आई थिंक दैट पुलिसमैन आर ऑन द राइट पाथ. वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस लोगों के बीच में मेंटेन कर रहे हैं. सो आई वांट यू ऑल द पीपल टू सपोर्ट देम इन ऑल द मैनर्स. एंड इवन यू नो श्वेता मैम, आई थिंक दैट सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट्स या पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं, दे आर मेनी मिनिस्टर्स हु आर एक्चुअली ऑल्सो वर्किंग वेरी ग्रेट क्योंकि वो इन सच अ ग्रेट प्रेशर, लाइक कितना COVID-19 का प्रेशर है एंड इतने प्रेशर में भी दे आर टेकिंग डिसीजंस ताकि वो अपनी कंट्री को सेव कर सके. एंड इवन द होल वर्ल्ड इज़ एक्चुअली टेकिंग डिसीजंस, सारे मिनिस्टर्स डिसीजंस ले रहे हैं. एंड मुझे लगता है कि इट्स ओनली अ डिसीजन विच कैन एक्चुअली सेव अ कंट्री. उनका एक फैसला हमारी कंट्री को डुबा भी सकता है, हमारी कंट्री को बचा भी सकता है. सो उन सबका भी थैंक्स, सारे मिनिस्टर्स का जो अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं एंड इतने क्रिटिकल टाइम पे भी डिसीजंस ले रहे हैं ताकि हम लोग लाइक आई एंड यू ऑल कैन बी सेव्ड. सो थैंक यू सो मच ऑल्सो. ये सलोनी मैम वेल सेड. और यहाँ पे मैं उन लोगों का भी थैंक्स करना चाहती हूँ, उन इंडिविजुअल्स का, उन ऑर्गेनाइजेशन का जो कि लोगों के घर घर जाकर उनको फूड प्रोवाइड करते हैं. एग्जैक्टली, आई थिंक दैट हर एक इंसान की बेसिक नेसेसिटी जो होती है वो फूड ही होती है. एंड इस टाइम पे जो कि बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है पूरे वर्ल्ड में और कुछ लोग ऐसे जो कि मैं कह सकती हूँ कि गॉड ने उनके माइंड में डाला कि वो लोगों को इस टाइम पे खाना पहुंचा सके, एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दोस पीपल जो कि खाना प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड लाइक मेरी तरफ से, श्वेता मैम की तरफ से एंड फ्रॉम माई इंटायर टीम सेक्रेड इंग्लिश अकेडमी की पूरी टीम की तरफ से, सारे डिपार्टमेंट्स जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, लाइक ऑफिशियल्स, सारी अथॉरिटीज़ एंड सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सेल्फलेसली हमारी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए वर्क कर रहे हैं ताकि हम जो सारा वर्ल्ड है इस COVID-19 से फ्री हो सके. सो हमारी सारी टीम से आपको बहुत बहुत थैंक्स जो वर्क कर रहे हैं एंड ऐसे ही वर्क करते रहे ताकि लास्ट में हम लोग ही जीत सके. थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो अगर ये लोग इतने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी को बिल्कुल अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, एंड यहाँ पे एक हमारी भी ड्यूटी बनती है एंड दैट इज द ड्यूटी ऑफ कोऑपरेशन. एग्जैक्टली, यस, दिस इज द ड्यूटी जो कि हम निभा सकते हैं इस टाइम पे इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि अगर हम कोऑपरेशन नहीं करेंगे इस टाइम पे तो आई थिंक दैट इट कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द नेशन. So it's important to maintain the cooperation among everyone. So please do cooperation. And even I think आपको घर रहना sometimes it's really tough. But you know what? I believe that कि अगर आप वाकई में you want to freely move outside, तो आपको घर रहना ही पड़ेगा for few days. अगर आप चाहते हैं कि आप उसी आज़ादी के साथ इन द सेम मैनर यू गो आउट, यू वर्क, यू मीट योर फ्रेंड्स, यू डू द पार्टीज, सो आपको घर रहना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए ताकि आप इस डिसीज से फाइट करके एक बार फ्री होके पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड, फिर हम अपने काम पे दोबारा वापस जा सके. बट फॉर दैट यू नीड टू स्टे एट योर होम फॉर फ्यू डेज. एंड जो काम आप कर सकते हैं घर पे रहके वो ये है कि यू कैन प्रे फॉर द पीपल, यू कैन प्रे फॉर योर फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन प्रे फॉर योर पीपल एंड स्पेशली फॉर योर नेशन, क्योंकि आपका नेशन आपको सेव कर रहा है. देयर आर सेवरल पीपल हु आर ऑन देयर ड्यूटीज टू सेव यू. सो हमें कुछ अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए ना, तो हम लोग अपनी ड्यूटी कैसे निभाएंगे? वी हैव टू बी एट आवर होम,
एंड हमें सिर्फ उनके लिए प्रे करनी है जो हम कर सकते हैं. प्रे करें सब लोगों के लिए. सो हम लोग भी इवन वी ऑल आर प्रेइंग. हमारी पूरी टीम सेक्रेड इंग्लिश एकेडमी की प्रेयर कर रही है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इस सारी ट्रबल से जो वर्ल्ड पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरा बन के बैठी हुई है उस सबके लिए मतलब वी ऑल आर प्रेइंग. जैसे आप लोगों ने इटली का भी सिचुएशन देखा है, इवन चाइना का सिचुएशन देखा, इट्स रियली टफ. सो अगर आप चाहते हैं आपकी कंट्री इन चीज़ों से प्लीज़ ना सफ़र करें तो घर पर रहें एंड स्टे होम एंड बी सेफ. And finally, don't forget to wash your hands with the soap for at least 20 seconds. Exactly. कम से कम 20 seconds के लिए आप अपने हाथों को बिल्कुल आगे पीछे से properly जरूर धोएं and sanitize them if you want. Like if you don't have a soap, so please sanitize them. And साथ ही साथ don't forget to wear the mask. जब भी आप लोगों के बीच में जाते हैं ये काम आप जरूर करें कि अपने नोज को अपने फेस को बिल्कुल कवर करके रखें, अपने माउथ को कवर करके रखें ताकि आप जानते हैं कि ये बीमारी का फैलने का ये तरीका है कि जो माउथ ड्रॉपलेट्स गिरते हैं उससे ये बीमारी फैलने का ज़्यादा डर है. सो मेक श्योर कि आप अपने फेस को कवर करके ज़रूर रखें एंड साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें क्योंकि अगर आप सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेंगे देन दिस डिसीज कैन बी अ ग्रेट क्योर फॉर द होल नेशन. सो स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू सो मच फ्रॉम सेक्रेड इंग्लिश अकेडमी ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.